वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो कैसे एडिट करते हैं, जिसपे आपका वाटर मार्क ना आए, वीडियो कहाँ से एडिटर, वीडियो एडिटर डाउनलोड करते हैं, मैं आपको पूरा सारा चीज बताऊंगा और साथ में करके भी दिखाऊंगा कि वीडियो एडिट कैसे किया जाता है। बहुत स्मूथ एंड फ्रेंडली एप्स है, जो जिस एप्स का नाम है मैं वो आपको वो भी बताऊंगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियोस ले करके आता हूँ। तो गाइस चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे, क्योंकि ऑलरेडी जो ये वीडियो है बहुत लंबा खींचेगा, पूरे अंत तक देखिएगा। अगर मिस कर देते हैं तो फिर मेरी गलती नहीं है, फिर वो बाकी आप लोग अपना समझिए। मेरा काम है वीडियो बताना, आपको एजुकेट करना, समझाना, क्योंकि इस तरीके का बात आपको कोई नहीं बताएगा कि वाटर मार्क विदाउट वाटर वार्क वाटर मार्क वाला वीडियो एडिटर कहाँ से लेके आते हैं। आप सबसे पूछेंगे तो सबसे के वीडियो में आपको एक ही चीज दिखेगा, कोई भी अपना सीक्रेट नहीं बताएगा, बट मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊंगा और मैं कैसे करता हूँ। मैं भी उसी एप्स को यूज करता हूँ जिसपे वाटर मार्क मेरा नहीं आता। तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे वीटा, ये आ गया वीटा वीडियो एडिटर एंड मेकर। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोडिंग स्टार्ट है। 25% डन हो चुका है, 92 MB का फाइल है। डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा इंस्टॉल, अब ये कॉन्फ़िगर हो रहा है। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इस पे ओपन करते हैं और ऐप्स के अंदर में चलते हैं। ये ओपन हो रहा है, अलाउ कर मांगता है, अलाउ दे देने का है। अब क्या करना है हमें, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग चले गए। यहाँ आने के बाद हम लोग कोई सा भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और लोड हो रहा है अभी। ये देखिए, ये लोड हो गया। तो ये वीडियो हमारा हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, अपने चैनल के बारे में बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सब्सक्रिप्शन के लिए जो स्टिकर आता है वो स्टिकर लेंगे, है ना। बहुत सारा डेकोरेशन होता है, तो चलिए हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके आपको बताता हूँ और करके भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट डालना है तो आप टेक्स्ट लिख दीजिए। चलिए मैं अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, NI निमो टेक एक्सपोर्ट। मेरे चैनल का नाम हो गया निमो टेक एक्सपोर्ट। और इसको जहाँ भी आपको मन करता है वहाँ पे आप अलाइन करके इसको रख दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्रॉन्ट दिया हुआ है, जो भी फ्रॉन्ट आपको लेना हो यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इतना ढेर सारा फ्रॉन्ट दिया हुआ है, जो फ्रॉन्ट चाहिए आप फ्रॉन्ट ले लीजिएगा। या फिर यहाँ पे कैप्शन में आते हैं, देखिए कैप्शन में मैंने इसको डाला, अभी इस तरीके से चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ। ले लिया मैंने। अब इसको आपको जितने दूर तक अपने वीडियो में लेके जाना है उतने दूर तक आप लेके जा सकते हैं। अगर सामने करना है तो सामने में, चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये हट गया है ना। अगर मैं इसको पूरा कर दूँगा तो ये देखिए, ये मेरे पूरे वीडियो में आ रहा है ना, ये मेरे पूरे वीडियो में आ रहा है। तो एक ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर इसमें हम लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए अगर अपना स्टिकर डालना है तो वो मिलेगा आपको, नीचे चले जाइए, ये रहा, यहाँ से आप उठा के डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। ये कहाँ पे मिला हमें, ये स्टिकर है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ भी बहुत सारा टूल्स दिया हुआ है आपके पास, जो टूल्स आपको पसंद आता है आप यहाँ से ले लीजिए। अब चलिए इस डिस्क्रिप्शन को भी मैं थोड़ा छोटा और बड़ा कर देता हूँ,
तो यहाँ से कहाँ तक आएगा हमारा, ये यहाँ से कहाँ तक आता है आप देखिएगा, ठीक है। बस ये सब्सक्रिप्शन हमारा हट गया, आप चाहे तो पूरा वीडियो में रख सकते हैं या फिर अपने वीडियो को हाफ में भी रख सकते हैं, उसके बाद इसमें एनिमेटेड कर सकते हैं हम लोग। चलो इस तरीके से अगर कर दो तो अब देखना कैसे लगेगा ये, ठीक है। एक ये हो गया, अब उसके बाद टेक्स्ट का हो गया, ये हो गया। अगर इसमें मान लीजिए कि आपको अपना चैनल का है ना, अपने चैनल का लोगो डालना है, तो इसमें प्लस में चले जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे अटैच्ड है तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। लेने के बाद इसको आप सेट कर लीजिए कि आपको कहाँ पे रखना है, कितने साइज पे रखना है, तो ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। अब लोगो जो है वो हमेशा ध्यान रखिए कि पूरे वीडियो में आपके लोगो आना चाहिए, आपके चैनल का नाम जो है वो आना चाहिए। और स्टार्ट कैसे होगा, तो यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं फेड इन फेड आउट। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, तो देखा आपने किस तरीके से एनिमेट हो रहा है। थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा इसको मेरे को। देखिए वीडियो एडिट करना ही सबसे बड़ा बात होता है, अगर आप वीडियो अच्छे से एडिट अगर आप करेंगे, अगर वीडियो को आप अच्छे से एडिट करेंगे तो आपके वीडियोस पे इतने लाइक शेयर एंड कमेंट्स आएगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से एडिट कीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए सारा टूल्स दिया हुआ है, सारा मार्किंग आपको दिया हुआ है, जो भी उठाना है आप यहाँ से ले सकते हैं। वॉल्यूम कम करना है बढ़ाना है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड करना है तो स्पीड भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड में अगर डालना है तो इस पर बैकग्राउंड, देखिए यहाँ बहुत सारा बैकग्राउंड दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। इमेज के लिए भी अलग अलग बैकग्राउंड दिया हुआ है, वो बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है। और बहुत अच्छा ऐप से, बहुत अच्छा ऐप से, मैं इसी ऐप से ही वीडियो बनाता हूँ, अपना सारा वीडियो मेरा इसी ऐप से ही जाता है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही होगी क्योंकि एक्चुअली मेरा गला फंसा हुआ है, तो बस मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देखते जाओ और कर लेना, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको स्टाइलिस्ट करते हैं, ओके। चलिए स्टाइलिस्ट करके भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा टूल्स यहाँ पे भी आ गया, अपने पास बहुत सारा फ्रेम यहाँ पे भी आ गया, तो आपको जिस फ्रेम पे इसको रखना है उस फ्रेम पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये हमारा वीडियो उसी फ्रेम में हो जाएगा। बट मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, है ना, कर दिया हमने, अब इसको यहाँ से कट कर दो। हमारा वीडियो अब बन के अब पहले से अलग तैयार है, ठीक है। देखिए सब्सक्रिप्शन आ गया, मेरा लोगो आ गया और मेरे चैनल का नाम भी आ गया, निमो टैक्स एक्सपर्ट। हल्का इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर कोई इशू होगा तो मेरे को बताइएगा, मैं उसको वापस से रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।